वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आज 3-4 दिन हो गए हैं जैसे मैंने व्लॉग नहीं डाला। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जैसे आप लोगों को पता है, डेंगू है, आजकल बुखार है, सर दर्द है, मौसम चेंज हो रहा है। तो अच्छा तो मौसम लग रहा है, वरना तबीयत बहुत ही ख़राब है। काफ़ी बच्चों की घर में 2-3 बच्चों को डेंगू हो गया था, जैसे मदनी है, हरून को हो गया था, ये हमज़ा को हो गया था। हमज़ा की तो अभी भी तबीयत ख़राब है, काफ़ी दिन हो गया। बुखार तो ठीक हो गया, अभी भी थोड़ा सा वो असर नहीं जा रहा, अभी भी इसकी तबीयत ख़राब है। मेरी भी ऐसे बहुत रहती है। जैसे मैं कल बच्चों को कह रही थी, मैं कंबल में लेटी हूँ, मैंने कहा मेरा व्लॉग बना दो, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे व्यूअर्स कहते होंगे किधर शमीम गायब हो गई है, तो मैं कह रही थी मेरा व्लॉग बना दो। तो ऐसे मेरी बेटी कहती है, अम्मी जी तो आप लोग भी ड्रामे करने लग गए हो, जैसे लोग कमलों में लेट के बनाते हैं तो आप भी ऐसे करने लगे। छोड़ो, ऐसे बनाने की कौन सी ज़रूरत है। तो फिर इसलिए मैंने बनाया नहीं। आज भी मेरे सर को दर्द हो रही है, तो ये तो अभी भी ठीक नहीं है। हाँ जी, तो पूछते हैं ज़रा पहले मदनी से। मदनी का कल 2 दिन स्कूल का इवेंट था, तो ये बताते इसका कैसा है गुजरा, कैसे गुजरा बच्चे? अच्छा था, पहला दिन काफ़ी अच्छा गया, पर सुबह थे ना तो 8:30 बजे तक मैं चला गया। काफ़ी टाइम लड़ाई तो नहीं हुई थी? लड़ाई हुई थी, एंड हुई थी। 11 बजे तक मैच शुरू होना था फुटबॉल का, वहाँ तक तब तक हम लोग इधर उधर। हाँ तो विवाद आजकल ये, पहले मेरे साथ ड्रामे या कुछ बातें करता था, तो अभी इसको बहुत शर्म आती है। जब ये अभी व्लॉग में आता है, ये सलाम लेना भी भूल जाता है। इसको ये भी बात भूल गई कि मैंने विवाद के साथ सलाम लेना या बात करनी, क्योंकि ये अब आजकल इसको बहुत शर्म आ रही है, ये बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ जी, हमजा की अभी बात सुनते हैं, हमजा क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कहते हैं आप, उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छे होंगे। मैंने आपको बताया था अपनी जॉब के बारे में, इंशाल्लाह कल से ये क्या हुआ है आपका होटल, ये यहाँ से मोटा हुआ है? नहीं है, सही है। अच्छा, वो पहले चोट क्यों लगी थी? अच्छा, कल से जॉब में कल जाना है इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए। मैं कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन करने लगा, क्योंकि पार्ट टाइम बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए कोई ना कोई काम तो होना चाहिए। इस वजह से आज सीवी बनवाऊंगा शाम को अपनी, और कल इंशाल्लाह इंटरव्यू देने चला जाऊंगा। और फिर आपको ऐसे ये सोए रहते हैं ना बच्चे के, अब खाली टाइम होता है तो फिर ये सो के गुजारते हैं। अच्छी बात है ना, कहीं ना कहीं बिजी रहेगा तो ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहता है, फिर फ्री रहेगा बंदा बोर हो जाता है, कॉलेज से आगे कोई काम ही नहीं होते। इस वजह से मैंने सोचा कि स्टार्ट कर लेता हूँ जो भी कोई ना। पहले ये इसका एक दिन हमने दिया था व्लॉग का कि ये व्लॉग बनाएगा, तो वो इसका फ़ोन ही नहीं आया, तो फिर मैं भी इस्लामाबाद चली गई, तो इसने बनाया भी नहीं है, वो व्लॉग नहीं शूट किया। अभी ये साथ जॉब करेगा, साथ साथ व्लॉग भी करोगे? हाँ जी, अभी ये करेगा साथ साथ ये बनाएगा, क्योंकि मैं 10-12 दिन के लिए इस्लामाबाद चली गई थी, इसलिए फिर वो आगे ये फ़ोन भी नहीं लेके आया। इसके पास है, पहले था वो गुम गया, मिला ही नहीं है, फिर दूसरा है तो वो नहीं लेके नहीं आए, तो अभी ये इंशाल्लाह साथ साथ काम भी करेगा और व्लॉग भी बनाएगा। तो ऐसे ही लाइफ का मतलब ही ये होता है कि बंदे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को, अभी तक मेरी माशाल्लाह एज भी हो गई है, तो फिर भी मैं ना कोई काम करती रहती हूँ। मुझे बुखार भी है कितने दिन से ना, मेरी तबीयत भी ख़राब भी है, तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ उठ के किचन में चली जाती हूँ, या कोई ना कोई मैं कहती काम करती रही। ऐसे लेट गई तो लेटी रहूँगी, कमर में दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो इतनी देर लेटा भी नहीं जाता बुखार में, तो ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो करना चाहिए। ये क्या है, हैं ये लड्डू को क्या हो रहा है? ये मुझे बाजे दे रहा है, लड्डू मुझे टांगे मार रहा है कि मैं इधर, ये पारा का बेबी इधर है, ये इकरा आई हुई है, इकरा का बेबी है इधर है। ये जो है अभी जो है ना बहुत इश्तानियाँ कर रहा है कि मुझे उठाओ, हैं इकरा बहुत, इसको मच्छर काट गया है, देखो ज़रा इसके ऊपर, वो रात को वो मच्छर का पड़ा हुआ है तो वो दिया करो रात को ना बेड पर, वो ले कर ना, वो क्या हुआ, बिल्ली तो नहीं आई? ये बोल रहा है। तो ऐसे विवाद है, जैसे हम बातें कर रहे हैं ऐसे बातें, तो आपको पता जब दिमाग और दिल ठीक ना हो, बुखार हो, तो दिल नहीं करता बातें करने से। क्या करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। मेरा तो दिल था अभी मैं स्क्रीन से चाय पी और सो जाऊँ, बस किसे बात वगैरह ना करूँ, जब फ्रेश हो जाऊँ तब आके सबको मिलूँगा। तो ऐसे ही है, जब बंदी की तबीयत ठीक नहीं होती,
ये बिल्ला तो नहीं उठते चला गया, उसको नहीं बैठने देता, काम को नहीं बैठने देता, तेरा बाप है कोई कुछ ना कुछ कोई ऊपर गया है। ये देखो इसको ऐसे घर में किसी को कोई चीज आ जाती है ना, जैसे हमने वो कैटो रखी हुई है वो भी आती है तो उसको भी बोलना शुरू हो जाता है, ये दरख्त के ऊपर कवा आके बैठा है तो कहता है ये क्यों आके बैठा है, चलो बात करो, हाँ जी हाँ जी बात कर दो, अभी मैं छोड़ा जाए इसको भी लेती हूँ, ये पकड़ना जरा ये कैसा था मेरा लड्डू है, लड्डू ये इसका नाम मैंने रखा हुआ ढीला लड्डू है, अजहान का नाम मैंने ढीला लड्डू रखा हुआ है, इसको भी बुखार जा हुआ है तो ऐसे तबीयत इसकी भी ढीली सी हुई पड़ी है, इसकी वो मच्छर की वजह से मेरे ख्याल हुई है, वैसे भी ये भी छोटा है ना तो ऐसे करता रहता है, ये जो छोटा लड्डू है ना, छोटा लड्डू ये छोटा लड्डू है, ये बहुत मीठा लड्डू है, मीठा लड्डू चीनी वाला, इसमें चीनी डाली हुई है, चीनी डाली हुई है लड्डू में, हाँ चीनी डाली हुई है, ये इतनी जो एज होती है ना बच्चे की वो ही सही रहती है, थोड़ा सा बड़ा हो गया 2-3 साल का फिर चलो बच्चे स्कूल जाना है अभी उधर जाना है, कभी वो चीज़ लानी है कभी वो चीज़ खानी है, फिर बच्चों का ये हाल हो जाता है। क्या है ये ढीला बना पड़ा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, पापा देखेगा कहेगा किधर निशान पड़े हैं, किसने मारा है, किसने मारा है इसको, इधर आप लोग जा रहे थे तैयार हो, हम लोग मरकज जा रहे थे ना सीरलैक लेने इसका और पानी की बोतल, अभी इसको फीडर दिया, बनाना खाया वही खाया हुआ, तो किधर है आपकी जॉब कितनी देर कर दी, इधर ही होते ये इधर पास ही है 5 मिनट के लिए, अभी खांसी का शरबत लेके आओ, दूध ही लेने जा रहा हूँ, वो भी कल लाना ना इधर, तो पहले पहले इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊंगा, अजवा नहीं है तो आज ये हमारे साथ आ गया, अजवा गई अपनी नानों के घर क्योंकि उसके मामू की शादी है तो वो उधर कपड़े वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो जो है ना उधर ही है, अभी मैं भी नहीं गई हूँ, अगर मैं गई तो फिर उसको लेके आऊँगी कुछ दिनों के लिए, तो फिर वो चली जाएगी जब करीब है, क्योंकि आपको पता है कि फिर जैसे शादियाँ होती तो चीज़ें लेनी लानी पड़ती है, तो इसके साथ ऐसे है कि अभी ना कुछ तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है तो बैठा नहीं जा रहा, सर को बहुत दर्द हो रही है, तो मैं इतना लंबा नहीं करूँगी व्लॉग इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट जो है ना आप लोगों को नेक्स्ट जो बात होगी आप लोगों के साथ करूँगी, इसके साथ मैं ये व्लॉग का एंड करूँगी, देखेंगे तो आप शेयर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना, तो मेरी दुआ है सब लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे मौसम हुआ है किसी को बुखार है, मौसम चेंज हो रहा है तो इस तरह सबको कुछ ना कुछ होता है, जैसे जिस दिन की मैं इस्लामाबाद से आई हूँ उधर ही मेरी 2 दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी तक तबीयत जो है ना वो अभी भी सही नहीं हो रही, तो मेडिसिन खा रही हूँ फिर भी तबीयत सही नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह मेरी दूसरे लोगों के लिए दुआ है, जो जो लोग किसी को दुख तकलीफ है अल्लाह ताला तंदुरुस्ती से दे मुझे भी दे, तो इंशाल्लाह इसके साथ व्लॉग एंड करूँगी, फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप लोगों के साथ मिलूँगी, ओके अल्लाह हाफिज़।